नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम लोग शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा के व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रिया है, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम लोग चर्चा करते हैं। आइए ध्यान देते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। ध्यान दीजिए, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम, एडुकेटम शब्द से बना है। इसका अर्थ है शिक्षण कार्य। एडुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण कार्य। फिर से देखिए, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निर्मित है। इसका अर्थ है शिक्षण कार्य। इसी के समान एक शब्द और है एडुकेयर। दूसरा शब्द क्या है? एडुकेयर। एडुकेयर इसका अर्थ है शिक्षित करना, उठाना, प्रगति करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, ये सभी शिक्षा की क्रिया एवं कार्य की ओर संकेत करते हैं। ये तो शिक्षा का सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा मानव शक्तियों का विकास है। जो मानव अपनी शक्तियों के विकास की क्षमता नहीं कर पाता, वह जीवन में सफलता पूर्वक जी नहीं सकता है। अतः जीवन पर्यंत प्रकृति के अनुसार अपने शरीर व मस्तिष्क को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी रेमन ने परिभाषा देते हुए बताया, शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण में विभिन्न प्रकार से अनुकूलित करता है। वह जीवन है जो वास्तव में स्वयं को शिक्षित करता है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, गृह जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। फिर से एक बार देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी रेमन क्या कहते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण में विभिन्न प्रकार से अनुकूलित करता है। वह जीवन है जो वास्तव में स्वयं को शिक्षित करता है। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय, गृह जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। व्यापक अर्थ में व्यापक शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बालक जन्म लेते ही माँ से, पिता से, कुछ बड़े होने पर समुदाय से कुछ न कुछ सीखता ही है। शिक्षा का क्षेत्र संपूर्ण संसार है। हर समय, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति में व्यक्ति सीखता है। शिशु अपनी माँ के गोद से सीखता है। बालक अपने साथियों के बीच सीखता है। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों, अगला अर्थ है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ का अभिप्राय परंपरागत तरीके से लिखना, पढ़ना और गणित एवं अन्य प्रकार या अन्य विषय की शिक्षा प्राप्त करने से है। इसके अंतर्गत बालक किसी पाठशाला में कुछ वर्षों तक कुछ अध्यापकों या शिक्षकों के सानिध्य में किन्हीं विशिष्ट तत्वों का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अतः इस प्रकार की शिक्षा को शिक्षा न कहकर निर्देश कहकर पुकारा जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैकेंजी ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को बताते हुए बताया कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयास से है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन स्टुअर्ट मिल बताया, शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं। जॉन स्टुअर्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन स्टुअर्ट बताते हैं, शिक्षा द्वारा
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों में संस्कृति का संक्रमण करते हैं। अगला जो पॉइंट है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ध्यान देंगे, यह है शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि शिक्षा का अर्थ बालक की मूल प्रवृत्तियों के विकास एवं सहज प्रवृत्तियों के निर्माण से है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें बालक, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम की त्रिवेणी है। अतः शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ में बालक, शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि शिक्षा का अर्थ बालक की मूल प्रवृत्तियों के विकास एवं सहज प्रवृत्तियों के निर्माण से है। यह गतिशील प्रक्रिया है जिसमें बालक, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम की त्रिवेणी है। अतः शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास का माध्यम है। अगला है शिक्षा की परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षा की जो परिभाषाएं दी गई है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्लेटो ने शिक्षा का परिभाषा देते हुए बताया, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरस्तु कहते हैं, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा का परिभाषा देते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क, आत्मा से है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पेस्टालॉजी कहते हैं, मानव शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अगला जो पॉइंट है महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा की प्रक्रिया। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्वानों ने शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका आदि उस समय होता है जब बालक गर्भ में स्थित होता है और अंत तब होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है या मर जाता है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में त्रिमुखी प्रक्रिया को अधिक बल दिया जाता है। आमतौर पर शिक्षा से तात्पर्य विद्यालय में जाकर विधिवत अध्ययन करने से लिया जाता है। विद्वानों का विचार है कि विद्यालयों में ही बालक को शिक्षा दी जाती है, वहीं पर रहकर वे जीवन के भविष्य का निर्माण करते हैं, वहीं पर व्यक्ति के सामान्य व्यवहारों की रचना होती है और उसी के अनुरूप उसके चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु के समान रहता है तथा यह अपने जीवन आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वास, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता है। और कहा भी गया है कि जिस समाज में शिक्षा की कमी होती है वह समाज अंधकारमय होता है। वह समाज का हर एक बच्चा, हर एक बालक का जीवन खतरे में होता है, अंधकारमय होता है। कहा जाता है कि जिस शिक्षा की कमी होने के कारण आज दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती जा रही है, आज बेरोजगारी की समस्या चारों तरफ विद्यमान है, आज बेरोजगारी के कारण लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी के शिकार हो रहे हैं, संसाधन की कमी होने के कारण न जाने कई समस्या उत्पन्न हो रही है। शिक्षा का यहाँ कई अर्थ दिया गया है। तो साथियों, आज जो हमने चर्चा किया, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का सामान्य अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और शिक्षा के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है वह क्या है, किस प्रकार है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त किए। इसी प्रकार आज के क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।